प्रोग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चकमाजली में आपका स्वागत है। हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो हमारा पेपर है बाल्यावस्था में विकास उपलब्धि उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने लास्ट में वीडियो थी जिसका जो दो वीडियो बनी है उसके अंदर हमने एक शिक्षा का अर्थ और हमने मनोविज्ञान का संक्षिप्त अध्ययन करते हुए उसके संबंध के बारे में चर्चा की। जैसा कि हमने पढ़ा कि शिक्षा है वो एक सीखने का है, कि सीखने की प्रक्रिया उसको शिक्षा कह सकते हैं। तो शिक्षा का माध्यम जो है औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा बालक बाल में सीखता है, विद्यालय में सीखता है, विद्यालय में व्यवस्थित रूप से एक व्यवस्थित ढंग से सीखता है उसको हमने औपचारिक शिक्षा कह देते हैं। इसलिए शिक्षा का मतलब है वो सीखना है, किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला लेना है। इस प्रकार से शिक्षा के बारे में फिर मनोज्ञान है, तो मनोज्ञान उसी शिक्षा के आधार पर है, यानी कि उस शिक्षा का जो बेस है वो मनोज्ञान होता है, मनोज्ञान के आधार पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये परिभाषा पर देखी थी कि जो शिक्षा का शिक्षा सिद्धांत का आधार है वो मनोवैज्ञानिक होता है, जो हर्बर्ट ने कहा था। इसी प्रकार से स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है स्किनर की है कि शिक्षा का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान होना चाहिए। इसलिए आज की जो शिक्षा है वो बाल्यावस्था बाल केंद्रित हो गई है, बालक को समझते हुए, बालक की एज के अनुसार, बालक की परिस्थितियों को समझते हुए उस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, पाठ्यक्रम का निर्माण उसी प्रकार से किया जा रहा है। आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो रही है, इसका जो मेन कारण है वो मनोविज्ञान ही है। तो इस प्रकार से हमने उसका शिक्षा मनोविज्ञान संबंध के बारे में अध्ययन किया, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या क्या संबंध है। तो दोनों के अंदर बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसको हमने समझा है कि बिना मनोविज्ञान को जानने जाने हम शिक्षा का जो सही कॉन्सेप्ट है वो नहीं बना सकते, सही शिक्षा बच्चों को नहीं दे सकते। तो इसमें ये परिभाषा एक अपने बड़ी थी कि मोंटेसरी ने कहा था कि शिक्षक जितना प्रोजेक्ट मनोविज्ञान का प्रयोग करेगा वो उतना ही अच्छी तरह से जान सकेगा कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। जितना अच्छी तरह से प्रयोगिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग करेगा उतना ही शिक्षक अच्छी तरह से जान सकता है कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाए। तो मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हम संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं कि शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान का होना जरूरी है, मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए तभी वो विद्यार्थी को एक अच्छी शिक्षा दे पाएगा। तो अब आगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या अर्थ है। तो आपने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है, शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है और विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण सामग्री महत्वपूर्ण तीन चीज़ें होती हैं एक शिक्षा के लिए। एक तो शिक्षक होना चाहिए, विद्यार्थी और एक शिक्षक सामग्री यानी कि पाठ्यक्रम कि क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, इन सभी का जो अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर ही किया जाता है। तो इसमें अपने पाठ्यक्रम का चयन करना, अध्यापक क्या कार्य करेगा, वातावरण के साथ किस प्रकार का संबंध होगा, इस सभी चीज़ों का जो क्या है अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को हम एक विधायक ज्ञान मानते हैं, सकारात्मक ज्ञान मानते हैं, क्योंकि बालक के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में किया जाता है। जब तक वो शिक्षा ग्रहण करता है उस प्रकार से उसका शैक्षिक जो वातावरण है उसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किया गया। तो कहने का मतलब है कि जब से बालक शिक्षा प्राप्त करने लगता है तब से लेकर जब शिक्षा प्राप्त करता है, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है, या तो जब शुरुआवस्था तक है बालक के अंदर, शुरुआवस्था तक लगभग क्या है 18 वर्ष, जब तक वो कॉलेज में या औपचारिक शिक्षा स्कूल की या महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करता है, तो औपचारिक रूप में शिक्षा प्राप्त करता है, वो एक व्यवस्थित रूप से क्लासरूम में बैठ करके विशेष पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्राप्त करता है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, किस एज मतलब एज के अकॉर्डिंग किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस बात का अध्ययन क्या है शिक्षा मनोविज्ञान करता है।
तो ये सारे जो निर्धारित है शिक्षा मनोज्ञान के अंदर होती है। तो शिक्षा मनोज्ञान बालक के शैक्षिक वातावरण का अध्ययन करता है, ये बात हम कह सकते हैं, शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोज्ञान बालक के शैक्षिक वातावरण का अध्ययन करता है। अब कुछ परिभाषाएं देखते हैं, इस प्रकार से स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषता मानव प्राणी के अनुभवों और व्यवहार से संबंधित होती है। शिक्षा मनोज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषता मानव प्राणी के अनुभवों और व्यवहार से संबंधित होती है, यानी कि जो भी हम खोज करते हैं, मनोवैज्ञानिक खोज करते हैं, उनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों के अंदर क्या है, उन अनुभवों व्यवहार से संबंधित होता है कि उस बालक के व्यवहार से किस प्रकार से संबंधित किया जाए, उनके अनुभवों से किस प्रकार से संबंधित किया जाए। तो मानव प्राणी उनके अनुभवों और व्यवहार से संबंधित होते हैं, तो जो मानव के अनुभव होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनको शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है जिससे कि शिक्षा के अंदर विकास हो सके, बालक की उचित विकास हो सके। तो शिक्षा मनोज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो पॉजिटिव में जो अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। तो आप इसी बात को समझ लीजिए कि किस प्रकार की परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षा मनोज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में, जो बच्चों के बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना, तो शैक्षिक परिस्थितियों को जानना ही किस प्रकार से बालक सीखेगा, कौन सी विधि होनी चाहिए, कौन से पाठ्यक्रम होना चाहिए और इस प्रकार की बातें हैं, वो शैक्षिक परिस्थितियाँ हैं उनका प्रयोग करता है जो कि विशेषतः मानव प्राणी में अनुभव और व्यवहार से संबंधित होती है। इसी प्रकार से नंबर दो है एचआर भागीदारी है, शैक्षिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी अथवा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक मनोज्ञान है। किसी शैक्षिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी या व्यक्ति का अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोज्ञान है। शैक्षिक वातावरण है, बच्चा सीख रहा है, व्यक्ति सीख रहा है, तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, व्यवहार में परिवर्तन क्या आ रहा है, ये सारी जो बातें हैं वो क्या है, शिक्षा मनोज्ञान का हिस्सा है। अब जो सबसे फेमस या मुख्य रूप से जो चीज परिभाषा आती है, विस्तृत परिभाषा है छोटी सी लेकिन विस्तृत अर्थ लिए हुए हैं कि शिक्षा मनोज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो सीखने के जो अनुभव हैं, वर्णन है, उनकी जो अनुभव है उनकी वर्णन करेगा, उनका व्याख्या करने का जो कार्य है वो किसका है, शिक्षा मनोज्ञान। तो बहुत ही विस्तृत अर्थ लिए हुए हैं परिभाषा, मुख्य रूप से प्रचलित परिभाषा है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि शिक्षा मनोज्ञान बालक के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के जो अनुभव होते हैं उनका वर्णन करता है, उनकी व्याख्या करता है। तो ये हमने तीन परिभाषाएँ देखी, इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम कहें कि शिक्षा मनोज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो विशेषताएं मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होती है, यानी कि मानव के अनुभव और व्यवहार से जो संबंधित खोजें होती हैं उनका जो प्रयोग शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है, शिक्षा के लिए किया जाता है, बालक के विकास के लिए किया जाता है उन खोजों का प्रयोग जो कि प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होती है। इसी प्रकार से जो आर एच भाटिया की शब्द जो परिभाषा है वो कह रही है कि विद्यार्थी और व्यक्ति के व्यवहार में जो भी अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक वातावरण के अंदर अध्ययन किया जाता है, उसको हम शिक्षा मनोज्ञान के अंदर लेते हैं। अब इसी प्रकार से प्रो एंड प्रो के अनुसार शिक्षा मनोज्ञान बालक के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। जैसे कि पहले जो हमने मनोज्ञान के अर्थ के अंदर जहाँ शिक्षा के अर्थ के अंदर पढ़ा था कि शिक्षा मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमने इस विशेषता के अंदर देखा था। तो इसी प्रकार से हम शिक्षा मनोज्ञान के अंदर देखते हैं।
इस प्रकार से हम विश्लेषण करें तो कुछ परिभाषाएं या कुछ विशेषताएं सामने आती हैं। शिक्षा मनोज्ञान एक विधायक ज्ञान है। शिक्षा मनोज्ञान क्या है? एक विधायक ज्ञान है। विधायक का मतलब सकारात्मक से किया जाता है। ये बात बार बार बैठे रहा हूँ, कई बार विधायक का हम कभी सुना नहीं होगा कि विधायक क्या चीज है, तो हम क्या है उसको मनोज्ञान में कहते हैं कि शिक्षा मनोज्ञान ज्ञान ही कहा जाता है, वो चीज़ें रह जाती है। विधायक का समझ में नहीं आता, ये याद रखना है शिक्षा मनोज्ञान एक विधायक विज्ञान है। तो विशेषता में थोड़ा बहुत अपने इसके अंदर लिखें, विशेषता के आधार पर कुछ विशेषता हम देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है, ये याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। तो इसी प्रकार से हम विधायक के अंदर सकारात्मक रूप से देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव की क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। मानव की क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव की क्रिया प्रतिक्रियाओं या क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव अपने वातावरण के अंदर क्या प्रतिक्रिया करता है, उस वातावरण में वो क्या प्रतिक्रिया करता है, तो इस प्रकार का जो अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। नंबर पॉइंट 3 है, शिक्षा मनोविज्ञान खोज निरीक्षण एवं प्रयोगों के आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज प्रतिक्रियाओं के आधार पर या खोज निरीक्षण या प्रयोगों के आधार पर खोज निरीक्षण प्रयोगों के आधार पर शिक्षा मनोज्ञान खोज निरीक्षण और प्रयोगों के आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। आगे जो पॉइंट है, इसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में किया जाता है। इसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में किया जाता है। शिक्षा का जो वातावरण है उसके अंदर किस प्रकार से बालक विकास कर रहा है उसका अध्ययन शिक्षा मनोज्ञान के अंदर किया जाता है। तो इसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में किया जाता है। कुछ ऐसे वातावरण में किया जाता है। इसके आधार पर अपने एक पॉइंट और लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों
पद्धतियों का निर्माण करता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा मनोज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों और पद्धतियों का निर्माण करता है। कहने का अर्थ है कि शिक्षा मनोज्ञान के तहत आगे से आगे विकास होता है, शिक्षा मनोज्ञान का सहारा लिया जाता है। शिक्षा मनोज्ञान बताता है कि बालक किस प्रकार की रुचि किस अवस्था में होती है, आगे से आगे किस प्रकार से विकास करता है। बालक की अवस्थाओं के आधार पर, उसकी रुचि के आधार पर, उसकी क्षमताओं के आधार पर किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार के सिद्धांत होने चाहिए, उन सिद्धांतों का पद्धतियों का निर्माण करता है। नए नए नवाचारों का उपयोग होता है। अपने देखते कि पहले कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर आया, नए नए नवाचार आए, अब बुक्स है, छोटे बच्चों के बुक्स है, उसके अंदर कई प्रकार की पिक्चर्स आती हैं, वो कई प्रकार के मॉडल ऐसे आते हैं जिससे बालक को आसानी समझ में आ जाता है। तो एक प्रकार से नवाचार है जिससे कि बालक शिक्षा के अंदर रुचि है, तो उन प्रकार शिक्षा के सिद्धांतों और पद्धतियों का निर्माण करता है। तो शिक्षा मनोज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों और पद्धतियों का निर्माण करता है। शिक्षा मनोज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों या पद्धतियों का निर्माण करता है। शिक्षा मनोज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों और पद्धतियों का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोज्ञान के अंदर विशेषताएं जो कि बालक की शैक्षिक वातावरण की स्थितियों को पूरा करता है। शैक्षिक वातावरण के अंदर किस प्रकार से विकास किया जाए, किस प्रकार के सिद्धांतों को अपनाया जाए, किस प्रकार के पाठ्यक्रम को अपनाया जाए, इस बातों का अध्ययन शिक्षा मनोज्ञान के अंदर किया जाता है। तो शिक्षा मनोज्ञान के अंदर हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी। शिक्षा मनोज्ञान एक व्यवहारिक ज्ञान है और शिक्षा मनोज्ञान शैक्षिक वातावरण में क्रिया व प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है और शिक्षा मनोज्ञान खोज निरीक्षण प्रयोग के आधार पर एकत्रित करता है, क्योंकि शिक्षा मनोज्ञान का कार्य खोज करना है, बालक संबंधित खोज करना है, निरीक्षण करना है, प्रयोग करना है, प्रयोगों के आधार पर जो नई नई बातें सामने आती हैं उसके आधार किया जाता है, उन तथ्यों में जो भी चीज़ अपने को सही लगती है वो आगे बढ़ाई जाती है, तो बच्चों के लागू की जाती है। तो निरीक्षण करना, प्रयोग करना और खोज करना, ये सारे कार्य है जो मनोज्ञान के अंदर है, मनोज्ञान की विशेषता के अंदर है। तो बालक का किस प्रकार से विकास हो सकता है, क्या क्या चीज़ें नहीं खोजे जाए, क्या प्रयोग किए जाए, किसी बालक का निरीक्षण करके एक कॉन्सेप्ट बना करके सभी पर अप्लाई किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। कौन से सिद्धांत हैं, जैसे अधिगम के सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांतों के अंदर हम देखते हैं कि थॉर्नबैक का अभ्यास का सिद्धांत है कि बार बार अभ्यास करने पर बालक को क्या किसी को सिखाया जा सकता है, तो उस सिद्धांत में बच्चों को लागू कर दिया जा सकता है। तो बच्चों को बार बार अभ्यास के द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से भूल और त्रुटि वाला है कि बालक क्या कितनी भूल करेगा, तो उस प्रकार से बार बार जो वो भूल कर रहा है तो उसको सही कर रहे हैं, सही सिखाए, एक दिन ऐसा है तो सही करना सीख रहे हैं। तो ये सारे सिद्धांत है और जो है उनके आधार पर चेकलिस्ट किए जाते हैं, उन बालकों पर लागू किए जाते हैं। इसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में किया जाता है। शिक्षा मंत्र शिक्षा के सिद्धांतों को बच्चों को एक्टिव करता है। इस प्रकार से हम इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव डाला है मनोज्ञान ने, इसलिए हम इसको शिक्षा मनोज्ञान के अंदर कह सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक सहायता मिली है, बालकों के व्यवहार को समझने में सहायता मिली है, बालक के पाठ्यक्रम को समझने में सहायता मिली है, उसको व्यवस्थित करने में सहायता मिली है, सरल करने में सहायता मिली है। तो इस प्रकार से बालक पाठ्यक्रम में विशिष्टता लाने के लिए, नई नई गतिविधियाँ लाने के लिए शिक्षा मनोज्ञान ने सहायता की है। इस प्रकार से कई जो समस्याएं थी उसको सुलझाने में क्या है वो शिक्षा के तक सफल होने मनोज्ञान तरीके से। इसलिए शिक्षा मनोज्ञान
बालक की शैक्षिक उन्नति के लिए बहुत सहायक है। शैक्षिक उन्नति अनुभूति क्रिय प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भी शैक्षिक वार्तक परिस्थिति में किया जाता है। कहने का मतलब है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक की शैक्षिक उन्नति के लिए उनकी अनुभूतियाँ और क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में करता है कि बालक का विकास किस प्रकार से किया जाए, क्या उसके अंदर कमी है, कमी को क्या समस्या उसे आ रही है, उसकी जो समस्या है वो अक्षम बालक के रूप में है या मंदबुद्धि बालक के रूप में है, उन समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है या उसकी कोई सामाजिक समस्या है, इन चीज़ों को जानने का प्रयास है शिक्षक मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। तो ये सारे विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों की जो विशेष विशेषताएँ होती हैं उनके आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण के अनुसार अध्ययन करता है और नए नए विकास करने का प्रयास करता है। उसके आधार पर शिक्षा में नए नए विचार लाए जाते हैं। तो ये अपने कुछ परिभाषा विशेषता हुई है। आगे जो अपने लिए है उसके अंदर परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से मुख्य परिभाषा है जैसे प्रो एंड ग्रोथ, जिस पहले भी मैंने कर चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने की जो प्रक्रिया है उसका अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। इस प्रकार से शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, तो जीवन पर्यंत ही शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा के अंदर होती है। तो वृद्धावस्था में जब बालक से एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है उनके लिए जो अनुभव होते हैं उनके लिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है, उनका व्याख्या और वर्णन करती है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो सीखने व सिखाने से संबंधित है, सीखने और सिखाने से संबंधित है। सीखना और सिखाना शिक्षा मनोविज्ञान का अंतर्गत है। इसका मतलब सीखना और सिखाना, सिखाना किसका काम है, शिक्षक का है। तो ये नहीं सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान बालक के लिए ही है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए भी, इसलिए तो शिक्षक भर्ती के अंदर मनोविज्ञान अनिवार्य रूप से लागू होती है, चाहे वो बाल विकास के रूप में हो चाहे वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना जरूरी है, तभी वो बालक की परिस्थितियों को समझ सकेगा, उनकी बुद्धि रवि को समझ सकेगा, उसकी योग्यता को समझ सकेगा, उसके अनुसार कार्य करवाएगा, उसके अनुसार शिक्षा करवाएगा, उनके अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा। तो शिक्षा सीखना और सिखाना दोनों ही प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षक के अंदर शिक्षक शिक्षार्थी उसके वातावरण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो आज हम इस शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता के बारे में अध्ययन किया है, कल हम इसके जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में उसकी विशेषता या प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।